पावन कस्बे में एल्बन अस्पताल से सुताई हुई दो व्यक्ति के द्वारा कोरोना पॉजिटिव को जिला प्रशासन अस्पताल के अंदर सही डॉक्टर मयूर मिश्रा व सीएससी प्रभारी प्रभाकर त्रिपाठी सहित समस्त स्टाफ ने फूल माला पहनाकर ताली बजाकर स्वागत किया तथा स्वस्थ मरीजों को डिटॉल साबुन मास्क ग्लव्स आदि देकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के आवश्यक निर्देश दिए। 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने की नसीहत देते हुए एम्बुलेंस से मरीजों को घर तक पहुँचवाया। स्वस्थ मरीजों ने एम्बुलेंस में बैठकर डॉक्टरों की ताली बजाकर आभार जताया। एल्बन अस्पताल भवन में जिन दो मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उन मरीजों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ एल्बन अस्पताल भवन के एम्बुलेंस द्वारा 150 बेड के आइसोलेशन वार्ड केंद्रीय विद्यालय बलियाबो में भेजा गया। इस समय एल्बन अस्पताल भवन में कोई मरीज नहीं है। सीएससी भवन के भवन में अब ठेके पर तक सैनिटाइजेशन का काम चलेगा। अस्पताल की वजह से भवन में मेडिकल स्टोर को छोड़कर व्यावसायिक गतिविधियां बंद थी जिससे भवन के क्षेत्रों को क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानी थी। एल्बन अस्पताल से मरीजों को ठीक होकर जाने की सूचना पर आज भवन क्षेत्र की जनता ने राहत की सांस ली। परसों हम लोगों ने यहां पर 11 लोगों का टेस्ट कराया जिसमें से 9 लोग हमारे नेगेटिव आ गए। उसमें से 2 अभी पॉजिटिव हैं, वो अभी भी यहीं हैं, उनको भी शिफ्ट कर दिया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय मलिहामू में। 9 पेशेंट जो डिस्चार्ज थे उनको हम लोगों ने फूल माला पहनाकर विदाई की है और उनको ग्लव्स मास्क और डेटॉल साबुन दिया है और उनको बताया कि घर जाके वो किस तरह अपनी सावधानी बरत के अपना आगे जीवन व्यापन करेंगे और साथ ही 7 दिन होम क्वारंटाइन पर रहेंगे, किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं। डॉक्टर मनीष मिश्रा के सब नेतृत्व में ये सब यहाँ के टीम लीडर रहे जिनकी वजह से ये सफल हो पाए कि हम लोग इतने मरीजों को जल्दी ठीक कर पाए। योर गुड नेम सर? मैं डॉक्टर प्रशांत रंजन और डॉक्टर मनीष मिश्रा हैं यहाँ के टीम लीडर भवन के।